बच्चों, तो आपने ये देखा कि ये जहाज चल रहा है? हाँ, ये गुब्बारा जहाज चला रहा है। गुब्बारा जहाज चला रहा है? गुब्बारे से जहाज कैसे चल रहा है? अच्छा, ये नहीं जानते तुमने? हाँ, देखा ये कैसा हुआ? अच्छा, तुम भी नहीं जानती हैं? तुम बता सकते हो कुछ? नहीं चाचा, मेरे को तो आता ही नहीं। अच्छा, तो लो हम बताते हैं। हाँ, तो पहले इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, एक और खेल देखें। लेकिन इसके लिए फिर गुब्बारा फुलाना पड़ेगा। तो क्या करो कि ये देखो, ये एक चक्की है और इस चक्की में देखो यहाँ पर एक छेद है। छेद दिखाई पड़ा? हाँ, बहुत छोटा सा छेद है। और इधर एक ऐसा स्थान बना हुआ है गोल सा है। अब गुब्बारा फुला करके इसी पे लगा दो। तुम फुलाओ गुब्बारा। हाँ, कस के बुलाओ, ताकत है। हाँ, और बुलाओ, और बुलाओ, और बुलाओ। ठीक, अब धीरे से इसी के ऊपर लगा दो। लगा दिया। अब देखो इसको छोड़ दिया जाए। अब देखो क्या हो रहा है। ये जरा सा धक्का दिया, बस देखो, जरा सा धक्का देने से तेजी से चलता है। हैं? ऐसे जरा सा धक्का दिया, तेजी से चलता है। अगर ये गुब्बारा न होता तो ये तेजी से न चलता। देखो कैसे, रोक दो। अब इसका सिद्धांत समझो कि ये कैसे होता है। देखो अभी ये चल रहा है, अभी चल रहा है। अब इसमें एक में से निकाल देते हैं गुब्बारा। यहां से हमने गुब्बारा निकाल दिया। अब देखो ये नहीं चल रहा है। कहीं चलता है? अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब ये सब कैसे होता है, इसको हम चित्र की सहायता से तुमको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये चित्र देखो। ठीक, इस चित्र में क्या है कि ये चक्ती दिखाई गई। अब इस चक्ती के नीचे यहां पर छेद है और इसके ऊपर एक और नली सी, छोटी सी नली, ये गुब्बारे से जुड़ी हुई है। इस नली में जब तुम फूंकते हो तो गुब्बारा फूलता है। अब देखो इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि फूले हुए गुब्बारे को किसके ऊपर लगाया गया? चक्की के ऊपर। चक्की के ऊपर लगा दिया गया। अब फूले हुए गुब्बारे को चक्की के ऊपर लगा दिया गया और गुब्बारे के अंदर क्या भरी हुई है? हवा। हवा, हवा भरी हुई। अच्छा, हवा निकलेगी कहां से? निकलेगी वो छोटे से छेद से। अब देखो यहां पर एक जो छोटा सा छेद दिखाई पड़ रहा है, इसी से तेजी से निकलेगी। जानते हो क्यों तेजी से निकलती है? इसलिए कि गुब्बारे के अंदर हवा अधिक दाब पर भरी हुई है और यहां है छेद। तो जब कभी किसी गुब्बारे में छेद करते हो या तो फूट जाता है या उसके अंदर से हवा निकलती है। तो यहां पर छोटा सा छेद है और अधिक सी हवा है। तो जब छोटे छेद से अधिक हवा निकलती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा हो ना, पाइप से पानी कर जब डालते हैं और पाइप का मुंह पतला कर देते हैं तो अधिक तेजी से पानी निकलने लगता है ना, उसी तरीके से हवा भी तेजी से निकलती है। अच्छा, जब हवा तेजी से निकलेगी तो एक बात होगी, विज्ञान का सिद्धांत। वो क्या है कि हवा में द्रव्यमान होता है और यहां वेग भी है। क्या क्या है? द्रव्यमान और वेग। तो दोनों से मिल गया संवेग। क्या मिला? संवेग। हाँ, और संवेग परिवर्तित हो रहा है, लगातार निकल रही है हवा। तो संवेग का हुआ परिवर्तन। क्या हुआ संवेग का? परिवर्तन। हाँ, संवेग का परिवर्तन हुआ। और संवेग का जब भी परिवर्तन होता है तो बल लगता है। क्या लगेगा? बल। और बल होगा तो प्रतिक्रिया बल होगा।
क्या होगा? प्रतिक्रिया बल। हाँ, तो इस हवा ने बल लगाया और इस शक्ति पर क्या लगा? प्रतिक्रिया बल। तो जब शक्ति पर प्रतिक्रिया बल लगेगा तो शक्ति थोड़ी सी उठ जाएगी, कैसे जैसे यहां है ना, यहां से ऐसे हल्का सा ऊपर उठ जाएगी, और उठ जाएगी तो शक्ति के नीचे हवा आ जाएगी। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सिद्धांत है। क्या है कि जैसे शक्ति ऊपर उठेगी प्रतिक्रिया बल से, तो शक्ति और इस सतह के बीच में हवा आ जाएगी, और हवा आ जाने से घर्षण बल खत्म हो जाता, बहुत कम हो जाता। तो जैसे घर्षण बल कम हुआ, वैसे ये शक्ति पर जरा सा बल लगा देने से चलने लगती है, बहुत दूर तक ये शक्ति जा सकती है। देखा नहीं, जैसे अभी फिर दिखाते हैं, शक्ति तैरने लगती है। अब हम पहले एक इसका उदाहरण बता दें कि इसका कहाँ उपयोग होता है, फिर उसके बाद इस शक्ति को चला के दिखाएंगे। तो एक चित्र और देखो, ये एयरक्राफ्ट का है जो सामान ले जाने के लिए उपयोग होता है, चाहे जमीन पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं या समुद्र पर पानी की सतह पर। तो क्या होता है कि इसके अंदर पंखे लगे होते हैं, ये पंखा है ब्लोअर टाइप का, और इससे पंखे से हवा नीचे गई, हवा नीचे गई तो वही प्रतिक्रिया बल से थोड़ा सा ये और क्राफ्ट ऊपर उठा, और यहां पर नीचे हवा आ गई, किसके किसके बीच में? इस और क्राफ्ट और जमीन या पानी की सतह के बीच क्या आ गई? हवा आ गई, घर्षण बल नहीं हुआ। और जरा सा धक्का किसी, मान लो एक पंखे से ही हम इसको ले लें, जरा सा धक्का लगाते तुरंत तेजी से ये चलना शुरू हो जाएगी। तो चलने से क्या होगा कि इस पर रखा हुआ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है? तो कितना अच्छा उपयोग हुआ। अब एक उपयोग और देख लो, जो ये पहले दिखा रहे थे कि यह गुब्बारा इस नाव को भी चला रहा, यानी जहाज को चला रहा। तो गुब्बारे में भी यही बात है, इसमें जहाज एक गुब्बारे को क्या किया, जहाज के ऊपर एक स्थान है यहां पर लगाया, ठीक, इस स्थान पर, और यहां पर छेद। तो जब फूले हुए गुब्बारे को यहां लगाएंगे तो हवा तेजी से इस छेद से बाहर निकलेगी, छेद से बाहर निकलेगी, और फिर वही क्रिया होगा, क्या? संवेग का परिवर्तन, संवेग के परिवर्तन से बल, और बल से प्रतिक्रिया बल, और प्रतिक्रिया बल से क्या है, ये जहाज चलना शुरू कर देगा और थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाएगा, जिससे हवा आ जाए और घर्षण बल भी कम हो जाए, तो और तेजी से ये जहाज चलेगा, ठीक है? अब एक बार हम लोग इसका खेल देख लें। तो सबसे पहले नाव का खेल ये दिखाएंगे, नाव का खेल दिखाओ, और तब तक तुम लोग गुब्बारा फुलाओ। लाओ हम गुब्बारे को लगा दें इसके ऊपर, आप लो फ्लो। हाँ, अब देखो, देखो नाव को भी देखो, दोनों गुब्बारों को देखो, ये देखिए नाव, पहले देख लीजिए नाव के अंदर से ये हवा निकल रही है इधर को, और जिधर हवा निकलती उसके दूसरी दिशा में ये जहाज चलेगा। यहां देखो हवा इधर निकल रही है और जहाज पीछे चलता है, यही तो प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का यही नियम है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, और इसी कारण गुब्बारा से जो हवा निकली, हवा आगे चलेगी तो जहाज पीछे चलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हवा निकलने से क्या हुआ कि ये शक्ति ऊपर उठ जाती है,
और ऊपर उठ जाने के बाद जरा सा धक्का देने से ही आगे चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो और क्राफ्ट का भी समझ में सिद्धांत समझ में आ गया। हाँ।